नमस्कार दर्शक मित्रों, आप જોઈ રહ્યા છો પ્રાઇમ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતી અને હું છું ભાવિકા વ્યાસ। એક મહત્વના સમાચાર ડીસાથી। ડીસા દક્ષિણ પોલીસ દ્વારા જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર વેપારીઓ સામે તવાઈ બોલાવી। સમગ્ર ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના પગલે સરકારશ્રી દ્વારા મિની લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું છે। મિની લોકડાઉનમાં સરકાર દ્વારા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ સિવાયની તમામ દુકાનો બંધ રાખવાનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે। परंतु कोरोना वायरस ना पगले वेपारीओनी हालत कफोड़ी जोवा मळी रही छे अने जाहेरनामानो भंग करीने अनेक वेपारीओ द्वारा खानगी राहे दुकानो चालू करी दुकानोना शटर बंद राखीने वेपार करता होय पुलिस द्वारा कड़क कार्यवाही करवामां आवी रही छे। अने जाहेरनामानो भंग करनार वेपारीओ सामे दंडात्मक कार्यवाही करवामां आवी रही छे। त्यारे आज डीसा दक्षिण पुलिस द्वारा बनास बैंकनी बाजुमां आवेल आरती कॉम्प्लेक्स में केटलाक सोनीनी दुकानों अने कापड़नी दुकानों खानगी राहे चालू राखी बधु भीड़ जमा करावता आजे दक्षिण पोलीस स्टेशनना पीएसआई टीएच परमार तेमज पोलीस स्टाफ द्वारा ओचिंती तपास करवामां आवी हती। तपास दरमियान चौकसी ज्वेलर्स अने रेडीमेडनी दुकानना शटर बंद राखीने अंदर ग्राहकोने बंद करी वेपार करता होय पोलीस द्वारा दुकानोना शटर खोलवाता पोलीस पण चौंकी हती अने सांकड़ी रेडीमेड दुकानों में 8 जेटला ग्राहकों खीचोखीच उभा राखी बंद दुकान में वेपार धंधा करता पोलिस द्वारा रेडीमेड दुकानना मालिक अने चौकसी ज्वेलर्सना वेपारी सामे राज्य सरकारना जाहेरनामानो भंग बदल कड़क कार्यवाही करवामां आवी हती। ग्राहकों पण मास्क पहेर्या वगर उपस्थित जोवा मळता 1000 लेखे दंडात्मक कार्यवाही कराई हती। आम डीसा शहर में ज्यारथी सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन लगाववामां आव्युं छे त्यारथी वेपारीओ चुपके चुपके दुकानोना शटर बंद राखीने ग्राहकोने दुकानमां पूरीने वेपार धंधा करता नजरे पड़ी रह्या छे। त्यारे खास सिंधी मार्केट अने रेडीमेड बजार तथा सोनी बजारमां केटलाक वेपारीओ द्वारा जाहेरनामानो भंग करी वेपार धंधा करता दक्षिण पोलीस द्वारा आवा वेपारीओ सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवे तेवी जागृत नागरिकों द्वारा मांग करवामां आवी रही छे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम इंडिया न्यूज़, डीसा।